तो सबसे पहले आपकी ब्राउजर ओपन करके blogger.com देखे मेल आईडी से लॉगिन कर लीजिए। और लॉगिन करने के बाद सिंपल सी यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की तरफ है सेटिंग्स, तो सिंपल सी आना है सेटिंग्स में। और यहाँ पे पहला वाला जो दिखाएगा बेसिक्स, और सबसे नीचे है यूजर सेटिंग्स, तो सिंपल सी आपको क्लिक करना है यूजर सेटिंग्स के ऊपर। और यहाँ पे यूजर सेटिंग्स में देख सकते हैं जनरल, और सबसे पहले है यूजर प्रोफाइल, तो सिंपल सी एडिट में क्लिक करना है। और गाइस सबसे पहले जो एडिट यूजर प्रोफाइल में है प्राइवेसी, प्राइवेसी में है शेयर माय प्रोफाइल, इसको ऑन चेक करके रखा, क्योंकि इसको अगर चेक करेंगे तो आपका प्रोफाइल शेयर होगा। और यहाँ पे है शो माय ईमेल एड्रेस, करंटली सेट द ईमेल एड्रेस, यानी कि मेरा जो ईमेल एड्रेस है शो करवाएगा या नहीं, तो मैंने शो करवा के रखा तो मेरा मेल आईडी शो करवाएगा। इसके नीचे है शो साइट्स आई फॉलो, इसको आप चेक कर सकते हैं, आपकी मर्जी अनचेक भी कर सकते हैं। आइडेंटिटी देख सकते हैं, यूजर मेल आईडी ईमेल एड्रेस है। एक चीज यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल एड्रेस, मेरा जो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है यहाँ पे जो भी ईमेल एड्रेस डालेंगे आपका कॉन्टेक्ट फोरम में, कोई अगर आपका व्यूअर्स कॉन्टेक्ट करना चाहेंगे तो इसी मेल एड्रेस पे आपका मेल आएगा। लाइक मैं एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देता हूँ, अगर कोई विजिटर्स मेरी वेबसाइट को विजिट करते हैं और नीचे की तरफ देख सकते हैं कॉन्टेक्ट फॉर्म, जहाँ पे नेम मेल एड्रेस और मैसेज डाल के सेंड कर सकता है। सो यहाँ पे आइडेंटिटी में जो मेल एड्रेस डालेंगे वही मेल एड्रेस पर आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म में जो भी मैसेज करेगा आपको रिसीव होगा। और यहाँ पे डिस्प्ले नेम देख सकते हैं, मेरा ई टेक्नोलॉजी डिस्प्ले नेम है, आपके हिसाब से आप डिस्प्ले नेम जो भी रखना चाहते रख सकते हैं। और यहाँ पे एक प्रोफाइल फोटो सेट कर दिया, और नीचे की तरफ ऑडियो क्लिप है, इसका ऑडियो URL भी आप सेट कर सकते हैं। और सिंपल सी यहाँ पे देख सकते हैं जेंडर सेट करना है, और सबसे नीचे जाके सेव प्रोफाइल कर देना है। सो गाइस यही था ब्लॉगर की यूजर सेटिंग्स, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।